जब से रणवीर आलिया स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है तब से कंगना रनौत की हवाएं उड़ी हुई है। फिल्म की कमाई देख कंगना की रातों की नींद भी उड़ चुकी है। यही वजह है कि कंगना हर रोज नए नए पोस्ट कर फिल्म पर निशाना साध रही हैं। कंगना रनौत ने हाल ही में ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को भी झूठ करार दिया है और कहा है कि ये सब फर्जीवाड़ा है। कंगना ने फिल्म मेकर राइटर एरे मृदुला कैथर के ट्वीट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा कि ब्रह्मास्त्र एक नए लोअर स्टेट पर है। फिल्म के को प्रोड्यूसर करण जौहर ने शनिवार को ट्वीट कर बताया था कि ब्रह्मास्त्र का वर्ल्ड वाइड ओपनिंग कलेक्शन 75 करोड़ रहा है। फिल्म मेकर राइटर एरे मृदुला कैथरे ने ट्वीट में ब्रह्मास्त्र के आंकड़ों को मैनिपुलेटेड बताया था। उन्होंने लिखा था, कुछ ट्रेड एनालिस्ट ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया गया है। जो लोग फर्जी बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के साथ मजाक कर रहे हैं उन्हें मोटा पैसा दिया जाता है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है। 60-70% आंकड़े एकदम नकली है। कंगना ने इस ट्वीट को अपनी स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, वाह 70%, ये ब्रह्मास्त्र के लिए एक नया निचला स्तर है। आपको बता दें कि boxofficeindia.com के मुताबिक भारत में ब्रह्मास्त्र की ओपनिंग 37 करोड़ पर थी। फिल्म ने दो दिन में 76 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। कंगना ने शनिवार को भी ब्रह्मास्त्र को दिए एक नेगेटिव रिव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा है कि अयान ने 600 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए हैं। बहरहाल पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखे। साथ ही इस अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।